हेलो फ्रेंड्स। सो दोस्तों, थोड़े दिनों पहले मैंने सैमसंग का टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक वीडियो अपलोड किया था, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा, और इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जितने भी वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, करीब करीब सारे पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स इस टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। बट एक ऐप है जिसका नाम है डिस्कवरी प्लस, जो काफ़ी पॉपुलर है, बट सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम में वो अवेलेबल नहीं है। अब मुझे ये बताते हुए आपको काफ़ी खुशी हो रही है कि कल ही सैमसंग के टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अपडेट आया है, और उस अपडेट के बाद ये डिस्कवरी प्लस ऐप ये भी अभी सैमसंग के टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। तो इसको मैंने, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि होम पेज पे ऐड कर लिया है, और ये डिस्कवरी प्लस भी अब इस पर अवेलेबल हो गया है। सो अब इस ऐप के साथ में करीब करीब जितने भी पॉपुलर ऐप्स हैं वो सारे के सारे सैमसंग के टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल हैं। तो मुझे एक जो मेन डिसएडवांटेज लग रहा था, जो शायद काफ़ी लोगों के लिए मायने नहीं रखता जो लोग डिस्कवरी नहीं देखते, बट मेरे लिए एक डिसएडवांटेज था जो अब नहीं है। जो लोग टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं जानते, उनको मैं बता दूं कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सैमसंग के सारे स्मार्ट टीवीज़ में आता है। सैमसंग अपने टीवीज़ में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देता है, उनका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको वो टाइजन बोलते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो अपने सारे स्मार्ट टीवीज़ में देते हैं। और ये जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख रहे हैं, ये टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सैमसंग के फ्रेम टीवी में चल रहा है, और करीब करीब सारे सैमसंग के टीवीज़ में यही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इसी तरह का उसका यूज़र इंटरफेस रहता है। स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये इसका होम पेज है, और इस होम पेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सारे ये इसका होम पेज है, और यहाँ पर इसने फर्स्ट में जो दिया हुआ है एक सैमसंग टीवी प्लस का लिंक दिया हुआ है। और ये जो सैमसंग टीवी प्लस है, ये एक सैमसंग का अपना ऐप है जिसमें कई सारे फ्री टीवी चैनल्स अवेलेबल है, बट वो एनालॉग चैनल्स नहीं है, ये ऑनलाइन चैनल्स है जो नेट के थ्रू चलते हैं। बट इसको आप टीवी चैनल्स की तरह आप देख सकते हैं, और टीवी चैनल की तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से आपका जो दूसरा लाइन है इसके होम पेज में, वहाँ पर फ्री टीवी शोज जो काफ़ी पॉपुलर हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका डायरेक्ट लिंक है। और ये सैमसंग के अपना ऐप नहीं है, ये जो ऐप आपने इंस्टॉल किया है उसी में से पिक करके और ये यहाँ पर देता है, और जहाँ से आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद ये नेटफ्लिक्स का एक इन्होंने ये पूरा लाइन दिया हुआ, नेटफ्लिक्स का ऐप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और जो भी इसके पॉपुलर वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर इन्होंने दिखाए हुए हैं। इसके अलावा जो भी न्यू रिलीज़ रहता है अलग अलग वीडियो ऐप पे, वो सारे यहाँ पर इसके होम पेज पे दिखते हैं। इसके अलावा पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज़ का एक लिंक दिया हुआ है, पॉपुलर वेब सीरीज़ का लिंक दिया हुआ है, फिर जो ट्रेंडिंग सर्च है, पॉपुलर सर्चेज है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। सो ये जो भी सर्च रिजल्ट्स और ये जो डायरेक्ट लिंक मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये किसी एक ऐप से नहीं है। जो भी ऐप आपने इंस्टॉल किए होते हैं उसी में से वो पिक करके होम पेज पर डायरेक्ट लिंक देता है, तो सो दैट आप इजीली एक्सेस कर पाए। इसके अलावा लैंग्वेज वाइज भी इन्होंने कंटेंट दिया हुआ है, आप जैसे इंग्लिश का कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, और आपने जो ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं या जो सैमसंग के दूसरे ऐप हैं टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें से वो पिकअप करके और वो कुछ पॉपुलर वीडियोज़ जो है वो यहाँ पर दिखाता है, जिससे आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड इज़ गोल्ड, किड्स मूवीज़ और टीवी शोज़ का कलेक्शन है, फ्री ग्लोबल स्पोर्ट्स का इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा जॉनरा वाइज भी इन्होंने कलेक्शन दिया हुआ है, कॉमेडी, एक्शन एंड एडवेंचर, फैमिली, ड्रामा, रोमांस, एंटरटेनमेंट, क्राइम एंड मिस्ट्री, रियलिटी, हॉरर, डॉक्यूमेंट्री एंड म्यूजिक। सो ये सारे कलेक्शन है जिसको आप टाइजन के होम पेज से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे एक्टर वाइज भी इन्होंने काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि कौन कौन से वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसका ऐप स्टोर। सो ये सैमसंग के टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐप स्टोर है, ये लोड हो रहा है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में इन्होंने एडिटर चॉइस के जो ऐप है, जो एडिटर रेकमेंड करता है, वो सारे ऐप दिए हुए हैं, और काफ़ी पॉपुलर ऐप्स जो हैं वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। डॉक्यूबे, यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, जी फाइव, सोनी लिव, वूट, सैमसंग ने एक गैलरी ऐप दिया हुआ जहाँ से आप वॉलपेपर वगैरह सारे डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने खुद के जो फोटोज़ हैं, अपने कैमरा के जो फोटोज़ हैं वो भी इस पर टीवी पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। एप्पल टीवी का ऐप दिया हुआ है, यूट्यूब किड्स दिया हुआ है, आहा है, स्पॉटिफाई है, जियो सिनेमा है, ट्यून स्टेशन है, एप्पल म्यूजिक है, आज तक है, और एक इंटरनेट ब्राउज़र है। सो इसका जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो भी काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, मैंने इसको यूज़ करके देखा है, और आप देखिए पूरी तरह से एक कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र की तरह ये दिखता है, और यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट जो है वो ईजिली खोल सकते हैं।
और इसको यूज़ करना काफ़ी इजी है। जितना डिफिकल्ट लगता है एक वेब ब्राउज़र को टीवी पर यूज़ करना, उतना डिफिकल्ट ये है नहीं। अब मैं आपको दूसरे ऐप यहाँ बताता हूँ, इसको हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। मैं वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स की बात कर रहा था, तो पहले मैं वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स इसमें दिखाता हूँ कि कौन कौन से हैं। ये इन्होंने जो नए ऐप्स जो इन्होंने ऐड किए, जैसा कि मैं बता रहा था डिस्कवरी प्लस भी अभी इन्होंने ऐड किया है इसमें, वो सारे इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सारे ऐप्स जो है ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। मार्वल का एक ऐप है, डिस्कवरी प्लस है, सैमसंग गैलरी है, किड्स टीवी, ट्यून स्टेशन, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, यूट्यूब किड्स, जी फाइव, डॉक्यूबे, हूट, एप्पल टीवी, स्पॉटिफाई, इंटरनेट ब्राउज़र, एंड इसमें इसके अलावा एलेक्सा और गूगल दोनों ही इन्होंने इसमें दिए हुए हैं। दोनों ही वॉइस कमांड सिस्टम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इनमें से इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं वॉइस कमांड देने के लिए और इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक गूगल डुओ भी दिया हुआ है। इस टीवी के थ्रू आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसमें आपको कैमरा इसमें अटैच करना होगा और फिर आप इसमें वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने सारे कंटेंट को ग्रुपिंग किया हुआ है, म्यूजिक एंड रेडियो में, ऐप्स टू किल टाइम, स्मार्ट व्यू एनेबल्स ऐप, एंड देन जॉनरा वाइज वीडियो, स्पोर्ट्स, गेम्स। मैं वीडियो वाले ऐप आपको दिखाता हूँ जो मुझे लगता है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये देखिए इसमें ये सारे वीडियो ऐप दिए हुए हैं। पॉपुलर ऐप जो है मैं आपको हाईलाइट करूँगा, इसमें डिस्कवरी प्लस का ऐप दिया हुआ है, हॉटस्टार इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे चलते हम हॉइचॉई इसमें दिया हुआ है, जो आई थिंक बंगाली मूवीज़ और वेब सीरीज़ के लिए बेस्ट ऐप है, सबसे पॉपुलर है। इसके अलावा इसमें देखते हैं और कौन कौन सा ऐप दिया हुआ है, और नीचे चलते हैं। एप्पल टीवी है इसमें, हूट इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा ये देखिए और इसमें क्या क्या ऐप दिया हुआ है। हाँ, इसमें ये प्राइम वीडियो भी इसमें दिया हुआ है, सोनी लिव इसमें दिया हुआ है। फैशन टीवी इसमें दिया हुआ है, सन नेक्स्ट इसमें अवेलेबल है, व्यू ऐप भी इसमें अवेलेबल है, आहा ऐप भी इसमें दिया हुआ है, नेटफ्लिक्स ऑफकोर्स इसमें है। और ऐप्स की बात करें तो इसमें जी फाइव है, मूवी इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा और देखते हैं और कौन कौन से ऐप्स इसमें हैं। आप लोग भी इसमें देखते रहिए, शायद आपका कोई पसंदीदा ऐप हो जो मैं नहीं हाईलाइट कर रहा, बट आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप हैं। यूट्यूब किड्स इसमें है, यूट्यूब इसमें है, मावल ऐप इसमें दिया हुआ है टाइजन में, देखिए सारे ऐप्स इसमें। काफ़ी सारे ऐप्स हैं, धीरे धीरे करके इन्होंने काफ़ी रिच लाइब्रेरी बना दी है। जियो सिनेमा इसमें है, जियो टीवी ऑफकोर्स नहीं है, जियो टीवी फायर टीवी में भी आपको नहीं मिलेगा, एंड्रॉयड में भी आपको नहीं मिलेगा, टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलेगा। जियो टीवी मोबाइल में जरूर अवेलेबल है, बट एंड्रॉयड का जो टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें नहीं है। यहाँ भी सिर्फ जियो सिनेमा है, जियो टीवी नहीं है। डॉक्यूबे भी इसमें इस ऐप स्टोर में है, इरोज नाउ इसमें है। आपने देखा कि ये सारे जो जितने भी पॉपुलर ऐप्स है इसमें, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। जो भी आपके फेवरेट ऐप्स है उन सारे ऐप्स को आप इस टाइजन के ऑपरेटिंग सिस्टम के होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हो, और ये जो ऐप्स है फिर आपके इजीली अवेलेबल रहेंगे। जैसे ही इसके रिमोट पर आप होम का बटन दबाएंगे ये स्क्रीन अपीयर होता है, और जितने भी आपके फेवरेट ऐप जो आपने ऐड कर रखे हैं वो यहाँ पर नीचे इस तरह से अपीयर होते हैं। जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये ऐप ऐसे हैं जिनको मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, तो इसको मैंने होम स्क्रीन पर ऐड किया हुआ है। जब भी मुझे यूट्यूब ओपन करना है तो मुझे होम स्क्रीन पर जाकर सिर्फ ये यूट्यूब पर जाके क्लिक करना है। मुझे ऐप स्टोर में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर वीडियो जॉनरा है, उसके अंदर जाके कहाँ पर यूट्यूब है। मेरे लिए ये काफ़ी इजी हो जाता है ऐप्स को एक्सेस करना, इसी वजह से ये मेरा एक फेवरेट फीचर है। और दूसरा इसमें एक खूबी ये है कि इसमें अगर आप कोई वीडियो ऑलरेडी देख रहे हैं, जैसे ये मैं नाइन एक्स चैनल देख रहा हूँ और मुझे दूसरे ऐप्स ढूंढने हैं, मैं यहाँ देखो आप इन ऐप्स को मैं चेंज कर रहा हूँ तो वीडियो फिर भी पीछे चलता रहेगा, मतलब वो ऐप आपका बंद नहीं होगा और आप उसके साथ ही दूसरे ऐप में जाके आप सर्च कर सकते हैं। और इसी के साथ ये क्या है कि जैसा भी जितने भी आपके ऐप्स हैं उसमें ये
जैसे आप अपना कर्सर उस पर ले जाएंगे तो ये उसमें दिखाएगा कि आजकल कौन से पॉपुलर वीडियोस चल रहे हैं। जैसे मैं नेटफ्लिक्स पे गया तो नेटफ्लिक्स पे आप देखिए, शायद आप ये देख पा रहे हैं, नहीं ये देखिए, ये दिखा रहा है कि जैसे वो एम्पायर डायरी, कहीं कहानियाँ, ये सारे वीडियो जो है नेटफ्लिक्स पर अभी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे हैं। प्राइम वीडियो पे जाऊँगा तो ये प्राइम वीडियो पे दिखाएगा कि कौन से ऐप्स वीडियोज़ और मूवीज़ में देख सकता हूँ। सिमिलरली यूट्यूब पे वो दिखाएगा, किड्स पे दिखाएगा। सो इस तरह से ये एक प्रीव्यू भी दिखाता है जो काफ़ी यूजफुल रहता है। सो दोस्तों, ये सैमसंग के टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल्ड रिव्यू था, जिसमें मैंने एक अपडेट भी आपको दिया कि अब इसमें डिस्कवरी प्लस ऐप ऐड हो चुका है। सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है, और अगर इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जो हमको चाहिए करीब करीब सभी चीज़ें इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी फास्ट है। सो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारे के सारे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।